बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे एक घर के प्रोजेक्ट के ऊपर। प्लॉट का साइज है 35x70, और ये किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया उसको यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्लॉट का फेस है वो वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। मोस्टली लोग पूछते रहते हैं बाद में कि फेस कौन सा था। वेस्ट फेसिंग ये प्लॉट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीट, रैंप, स्टेप्स, और ये यहाँ पर विकेट गेट है, इसलिए यहाँ पर स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ से मंदिर दाखिल हुए, पोर्च 18x16 अच्छे साइज में। यहाँ पर आपके पास एक गाड़ी आसानी के साथ आप खड़ी कर सकते हैं, साथ में कोई बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं, और आसानी के साथ यहाँ से गुजर के अंदर भी जा सकते हैं। इस साइड पे अगर आप देखें तो लॉन है 14x3 का, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा चले गए, यहाँ पर मेन एंट्रेंस आ गई। एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ कि ये स्टेप्स आप अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीट लेवल, यानी कि जो भी आपका है उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर दाखिल हुए, डबल डोर है। इस साइड में हम गए तो हमारे पास ड्राइंग है, 15x11 ड्राइंग का साइज है। एल शेप की विंडो है खूबसूरती में इजाफे के लिए। अब यहां पर इस साइड में अगर आप देखें तो पाउडर है जो कि आपके गेस्ट के लिए बनाया गया है। ये 6x4 है, बेसिकली ये पाउडर कॉमन यूज में भी आ सकता है। और इसकी वेंटिलेशन बैक साइड में जो पैसेज है, जो गली है, उसके अंदर दी गई है। नेक्स्ट यहां पर आप देखें तो स्टेयर हॉल, स्टेयर केस या सीढ़ियों का एरिया आप इसे कह सकते हैं। तो 12x12 इसका साइज है, और यहां से आप देख सकते हैं कि एल शेप में स्टेयर ऊपर जा रही है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं डॉटेड या कटेड लाइंस, ये बेसिकली यहां पर एक बीम बनेगा, और व्हेनेवर जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इसके नीचे आप दरवाजा लगाएं, स्लाइडिंग डोर लगाएं, फोल्डिंग डोर लगाएं, कर्टन लगाएं, या इसके नीचे खूबसूरती के लिए आर्च भी बन सकती है। बट ये डोर सजेस्ट मैं कर रहा हूं वो प्राइवेसी के लिए कर रहा हूं। तो गेट टूगेदर के लिए वो आप खोलेंगे तो ये आपका लाउंज और आपका ड्राइंग एक हो जाएगा, और यहां पर आपका कोई भी एक छोटा मोटा फंक्शन आराम से चल सकता है। आगे चले गए हम, यहां पर आप देख सकते हैं कि 15x17x4 हमारे लाउंज का साइज है। इस साइड पे मीडिया वॉल है, इस साइड पे सोफाज है, और इस साइड पे अगर देखें तो हमारे पास एक किचन है। यहां पर मैं व्यूअर्स आपको बताता चलूं कि जो किचन है वो 12x9x9 का है, ठीक है। और उसके साथ यहां पर एक डोर है, और यहां पर स्टेप है क्योंकि ओटीएस डेप्थ में जाएगा, और ये यहां से आप बाहर निकलकर इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और मेंशन करता चलूं कि अगर आप इसको ओपन किचन रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा टॉप आपका थोड़ा सा आगे जाएगा, यहां से आपका ये ओपन चला जाएगा, यानी कि यहां से ये खुल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहां से हम थोड़ा सा आगे गए तो इस साइड पे हमारे पास एक बेडरूम आ गया, बेडरूम 1 आप इसे कह सकते हैं। 12x13 इसका साइज है। इसकी वेंटिलेशन बैक साइड पे जो ओटीएस है उसी के अंदर है, ठीक है। विंडो लगी हुई है और कुछ चीजें ऑर्गेनाइज की गई है। सामने मीडिया वॉल है, ठीक है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास ड्रेसिंग है, ठीक है। 4x10x5 की ड्रेसिंग है, और यहां से ही अंदर जाने का रास्ता है बाथरूम में। 8x10x5 बाथरूम का साइज है, और यहां पर शॉवर है, ठीक है। ग्लास की पार्टीशन यहां पर होगी, और यहां पर देख सकते हैं कि बैक साइड पे जो आपका ओपन टू स्काई एरिया है उसी के अंदर यहां पर इसकी वेंटिलेशन है बाथरूम की भी। और यहां पर इस साइड पे अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास आ रहा है बेडरूम 2, 14x13 इसका साइज है। और इसके साथ यहां पर आप अगर देखें तो एक वार्डरोब बनी हुई है, और यहां पर अगर देखें तो सामने मीडिया वॉल, बेड, और इसकी वेंटिलेशन इस साइड पे निकाली गई है ओपन टू स्काई एरिया के अंदर। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास यहां पर एक और बाथरूम आ रहा है, ठीक है। और ये पहले आपका बाथ आएगा, और इसके आगे जाकर मतलब है कि यानी कि पहले आपका टॉयलेट आएगा, इससे आगे जाकर आपका एक शॉवर का एरिया आएगा। ये ग्लास वॉल यहाँ पर लगेगी, ठीक है। और इसकी वेंटिलेशन भी बैक साइड पे जो ओपन उसका एरिया हमारे पास है। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज मेंशन करता चलूं कि यहां पर रिक्वायरमेंट थी कि एक प्रेइंग एरिया छोटा सा बनाया जाए, तो ये एक प्रेइंग एरिया यहां पर बनाया गया है, ठीक है। 4x4x7 इसका साइज है, और यहां पर भी इसकी वेंटिलेशन भी बैक साइड पे ओपन टू स्काई एरिया के अंदर रखी गई है। 4x9x4x7 का उसका भी साइज है, ठीक है। अच्छा, यहां एक चीज मैं मेंशन करता चलूं कि यहां पर जो लाइट की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी, लाइट नहीं आ रही थी लिविंग के अंदर, यानी कि जो नेचुरल लाइट है या डे लाइट जिसे आप कह सकते हैं, बाकी तो सारी आर्टिफिशियल लाइट्स होंगी अंदर, तो उसके लिए हमने यहां पर ये विंडो लगाई इस साइड पे, ठीक है। और ये भी लो सिल के ऊपर होगी, आप अगर बैक साइड को यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, तो यहां से लाइट अंदर जिस हद तक आ सकती है वो आएगी, ठीक है। तो ये था जी आज का प्रोजेक्ट जिसको मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप भी ऑनलाइन काम करवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रेट्स के अंदर काम करके रिटर्न किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।